जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि YouTube नए क्रिएटर को किस तरीके से प्रमोट करता है। आपको बता दें कि आप अगर छोटे क्रिएटर हो और आप अच्छे कंटेंट डाल रहे हो तो YouTube आपकी वीडियोस को जरूर प्रमोट करेगा। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आप अच्छा कंटेंट और अच्छा थंबनेल भी डाल रहे हो फिर भी आपकी वीडियोज़ पर व्यूज़ नहीं जाते, तो दोस्तों आपको बता दें कि वीडियोज़ बनाने से पहले गाइडलाइंस के बारे में जरूर जान लें। ध्यान रहे आपको गाइडलाइंस के खिलाफ कुछ भी नहीं करना है। और दोस्तों आपको बता दें वीडियो डालने के बाद आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। और वीडियोस डालने के लिए आपको एक कॉमन तरीका बता दें कि आपको वीडियोस को कंटिन्यूअसली अपलोड करना है। मैटर ये नहीं करता कि उस पे व्यूज जा रहे हैं या नहीं, आपको सब्र करना होगा। और दोस्तों आप एक कॉमन सी बात आपको बता दें कि अक्सर आप वीडियोस को शेयर करते हैं, तो दोस्तों वीडियो शेयर करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वीडियो शेयर करना व्यूअर का काम होता है। तो दोस्तों अगर आप वीडियो को शेयर कर रहे हैं तो आप अपने अलग जीमेल अकाउंट से भी कर सकते हैं। अलग जीमेल का मतलब आपके पास अनेकों चैनल होंगे तो उस चैनल से आपको वीडियो को शेयर करना है। तो दोस्तों ध्यान रहे आपको वीडियो शेयर करने से पहले एक कॉमन बात आपको ध्यान लगानी होगी कि वीडियो शेयर करने से पहले वीडियो को पूरा देखना होता है। वीडियो देखने से होता यह है कि आपका वॉच टाइम बढ़ता है, वॉच टाइम बढ़ने से यूट्यूब वीडियो का इंप्रेशन बढ़ता है, यूट्यूब वीडियो इंप्रेशन बढ़ने से आपका वीडियो बहुत लोगों तक जाता है जो यूट्यूब की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लोगों तक जाने से तात्पर्य यह है कि आपका वीडियो सजेशन में जाता है, होम स्क्रीन में जाता है। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि YouTube कितनी वीडियोस पर आपकी वीडियो को प्रमोट करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि आप जितना ज्यादा वीडियो डालेंगे उतना YouTube आपका प्रमोट करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बहुत थोड़े वीडियोस डालते हैं तब भी YouTube आपको इंप्रेशन जरूर देगा, बस आपको कंटिन्यूसली वर्क करना है और रियल वॉच टाइम देना है अपनी वीडियोस पर। ऐसा कोई फिक्स नहीं है दोस्तों, जब आप चैनल का स्टार्टअप करते हैं तो आप अपने फ्रेंड सर्कल फैमिली मेंबर और रिलेटिव से आप अपने सब्सक्राइबर को बढ़वा लेते हैं, लेकिन दोस्तों आप शेयरिंग में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है वीडियो उनके हिसाब का है भी या नहीं, ये भी मैटर करता है। जितना ज़्यादा आप वॉच टाइम दोगे उतना ही यूट्यूब आपकी वीडियोज़ पर इंप्रेशन देगा, इंप्रेशन देने से आपकी वीडियोज़ सजेशन और होम स्क्रीन पर आने लगेगी। तो दोस्तों आज हम आपको एक लाइव प्रूफ दिखाते हैं कि किस तरीके से यूट्यूब वीडियोज़ को प्रमोट करता है। तो चलिए दोस्तों ले चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। देखिए ये हमारा दूसरा चैनल है, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये लोडिंग हो रहा है, और ये हमारा चैनल है जो कि आपको दिख रहा होगा सामने कि किस तरीके से हमारा YouTube चैनल थंबनेल भी जिसका सही से नहीं था लेकिन फिर भी YouTube ने इसको प्रमोट किया है। दोस्तों मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से हमारी स्टार्टिंग में किस तरीके से हमने थंबनेल बनाया था, किस तरीके से हमारे वीडियोस पर व्यूज जाते थे। तो ये हमारा स्टार्टअप था, अभी ज्यादा नहीं बस 3 महीने पहले की बात है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कितने महीने पहले हमने वीडियोज को डाला है, तो आप व्यूज पर ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से व्यूज पे इंक्रीजमेंट हो रही है। इसका मतलब ये है कि YouTube वीडियोस को वायरल कर रहा है। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने वीडियो को ज्यादा शेयर भी नहीं किया। दोस्तों मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूं, वीडियो में पूरा बने रहिएगा। दोस्तों आगे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से YouTube इंप्रेशन देता है। इंप्रेशन मतलब दोस्तों अगर आपकी वीडियोस को हैवी ट्रैफिक तक पहुंचाया जा रहा है तो उसको इंप्रेशन बोलते हैं दोस्तों। तो मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पे कि किस तरीके से हमारी वीडियोस पर कितने रीच गए हैं, कितने इंप्रेशन गए हैं। तो दोस्तों देख लीजिए हमारे यहां 42,000 से ऊपर इंप्रेशन गए हैं, मतलब यूट्यूब ने हमारी वीडियो को 42,000 से ऊपर लोगों तक पहुंचाया है। यूट्यूब आपकी वीडियोस 10,000 लोगों तक पहुंचा रहा है तो आपकी वीडियोस पर 2,500 से 3,000 व्यूज जरूर आ जाएंगे, क्योंकि ये एक एवरेज माना गया है दोस्तों। तो अगर आप भी इंप्रेशन वगैरह चेक करना चाहते हैं तो आप YT स्टूडियो में इसको चेक कर सकते हैं। और दोस्तों ध्यान रहे अगर आप ज्यादा ज्यादा वीडियो शेयर कर रहे हैं तो इतना ज्यादा शेयर मत करिए, शेयर उन्हीं के पास करिए जिनके यहाँ से आपको व्यूज आने के चांसेस हैं, वॉच टाइम आने के चांसेस हैं। थोड़ी बहुत कॉमन चीजें ऊपर ध्यान देना होगा दोस्तों, और आपको टैग वगैरह पे भी ज्यादा ध्यान देना होगा, टैग वगैरह जरूर लगा लीजिए, नहीं लगाएंगे फिर भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।